मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के जो केमिकल प्लांट है उसमें बॉम्ब ब्लास्ट करवाने का सौदा करने वाला आदमी कौन था? इस सिलसिले में तुमसे सबसे पहले कांटेक्ट किसने किया? करण सिंह, एडवोकेट बंसल या कुकू मेहरा? मेरे ख्याल से मेरे इस सवाल में कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप आराम से सोचकर इस बात का जवाब दे सकते हैं। करण सिंह ने मुझसे कांटेक्ट किया था। कब और कैसे? दिन और तारीख तो मुझे याद नहीं, लेकिन फोन पे ये सौदा जरूर तय हुआ था। लेकिन प्रोसिक्यूशन का कहना है कि करण सिंह ये सौदा करने के लिए पर्सनली, आई मीन व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलने खेतरी आए थे। I object to this, Your Honor. Your Honor, मेरा सवाल बिल्कुल साफ और सीधा है। Objection overruled. जवाब दीजिए। देखिए, फोन पे तो ऐसा ही हुआ था, मगर बाद में प्रोग्राम फाइनल होने के बाद करण सिंह खुद पैसा लेकर खेतरी मेरे पास आया था। तुमने एडवोकेट बंसल को जान से मारने की कोशिश क्यों की? क्या मैंने कहा तुमने एडवोकेट बंसल पर जानलेवा हमला क्यों किया था? ठीक है साहब, ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। Your Honor, इस गवाह की गवाही में कंफ्यूजन इसलिए है कि वो अदालत के कटघरे में खड़ा होकर लगातार सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर रहा है। मेरा इस वक्त का सबूत अगला गवाह ये साबित कर सकता है कि बनवारी ने एडवोकेट बंसल पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। हकीकत यह है Your Honor, कि बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश में एडवोकेट बंसल को इस्तेमाल किया गया। एडवोकेट बंसल को खेतरी में बनवारी से बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश का सौदा करने के लिए भेजा गया था, और तय यह हुआ कि जब साजिश कामयाब हो जाए तो एडवोकेट बंसल को भी खत्म कर दिया जाए। इस बात को साबित करेगा मेरा अगला गवाह एकनाथ कामले। मैं अदालत से इजाजत चाहूंगी एकनाथ कामले को बुला दें। इजाजत। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कुछ भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। श्री एकनाथ कामले, आप अदालत को ये बताइए कि जब बंसल साहब आपकी ऑफिस में दौड़ते हुए आए तो उन्होंने आपसे क्या कहा, क्या मदद मांगी? उस दिन खेतरी में मैं मजदूरों के साथ अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी अचानक एडवोकेट बंसल बदहवास सा भागता हुआ आया। उसने कहा कि बनवारी सरकार के आदमी उसकी जान लेने पर तुले हुए हैं। आई ऑब्जेक्ट टू दिस। मे आई सर? प्लीज। थैंक यू। एकनाथ कामले, अभी आपने जो अदालत को बयान दिया है उसे एक बार फिर से दोहराएंगे? उस दिन मैं खेतरी में अपने मजदूर साथियों के साथ यूनियन ऑफिस में बैठा था, तभी अचानक बंसल, एडवोकेट बंसल बदहवास सा भागता हुआ आया और कहा कि बनवारी सरकार के आदमी उसकी जान लेने पर तुले हुए हैं। जान लेने पर तुले हुए, ऐसा कहा था। जाहिर है कि आपके जैसे पढ़े लिखे और जहीन दिखने वाले इंसान ने कुछ सवाल तो किया ही होगा उससे। हाँ, मैंने पूछा था। तो आपके पूछने पर एडवोकेट बंसल ने क्या जवाब दिया? बंसल ने कहा कि शायद उसने करण और बनवारी सरकार के बीच कोई सौदा होते हुए देखा था। शायद उसने करण और बनवारी सरकार के बीच सौदा होते हुए देख लिया था। पॉइंट टू बी नोटेड Your Honor। इन जैसे जहीन इंसान की गवाही भी ये साबित करती है कि करण सिंह और बनवारी सरकार के बीच ही ये सौदा हुआ था। Your Honor, मैं एडवोकेट बंसल को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगा।